छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव के थाना माकड़ी के निवासी गेंद सिंह नेताम ने 14 दिसंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात आरोपियों द्वारा इनाम एवं लॉटरी का पैसा दिलाने का लालच देकर उनसे 1,25,00,000 रुपए की ठगी करते हुए धोखा देकर अपने बैंक खाते में जमा करवाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री वाई अक्षय कुमार द्वारा तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव श्री दौलत राम पोर्ते के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक साइबर सेल श्री सतीश कुमार भार्गव के नेतृत्व में साइबर सेल कोंडागांव और थाना माकड़ी की संयुक्त टीम गठित कर प्रकरण से संबंधित समस्त साक्ष्य संग्रहित करके और बैंक खातों की जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए। सबूत इकट्ठा होने और प्रकरण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हो जाने के बाद पीड़ित व्यक्ति के साथ ठगी की आरोपी दिल्ली एवं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का होना पाए जाने से उप पुलिस अधीक्षक साइबर सेल सतीश भार्गव के नेतृत्व में आरोपियों की पता साजी एवं गिरफ्तारी के लिए 13 सदस्यीय संयुक्त टीम को गठन किया गया और दिल्ली और गाजियाबाद के लिए रवाना कर दिया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली और गाजियाबाद में कैंप कर आरोपियों की उनके रहने की संभावित ठिकानों पर लगातार 5 दिनों तक नियमित रूप से रेकी की गई। आरोपियों के तस्दीक उपरांत वहां के स्थानीय पुलिस की मदद से उनके ठिकानों की घेराबंदी कर एक साथ दबिश देकर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अपराध में शामिल आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करने के बाद उनके कब्जे से 51,20,000 रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई।